अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न सिलाई क्लासेस। आज मैं आप लोगों को सिंपल प्लाजो का स्टिचिंग करके बताने वाली हूँ। मैंने 1 मीटर कपड़े में 36 लेंथ की प्लाजो कट करके बताया हुआ है। मैं इसका लिंक नीचे डाल दूँगी कटिंग का। अब देखिए, मैं स्टिचिंग करके बता रही हूँ। देखिए, अगर बॉटम का नीचे इसमें इस तरह वर्क है तो बॉटम को सीना नहीं है, इसलिए हम इसमें पहले रुमाली यानी कि मैनी जो हमने कट करी थी जॉइंट की उसे सीएंगे। देखिए, कपड़ा कम रहने की वजह से इस रुमाली में जॉइंट आया है। पहले हम इस रुमाली को इस तरह सी लेंगे। देखिए, इस तरह बीच में जॉइंट लेने से ये रुमाली इस तरह दिखती है। ये प्लाजो पैंट डिजाइन में नहीं कटी हुई है, इसलिए कम कपड़ा रहने की वजह से हमें रुमाली लगाना जरूरी है। इस तरह हम दूसरी रुमाली को भी तैयार कर लेंगे। हमने दोनों रुमालियों को यानी इसे मैनी भी कहते हैं, इसको सिलाई लगा ली है। अब हम प्लाजो को इस तरह ओपन करके हमें एक ही हिस्सा लेना है, एक हिस्से पर दोनों भी रुमाली लगानी है। देखिए, हमने कट करते टाइम ये कट लगा कर रखा हुआ था, यहाँ से हम ये मैनी लगाएंगे। देखिए, सीधे कपड़े पर हम इस तरह उल्टी मैनी को रख देंगे और ये जो कट है इसके पास से हम इसे इस तरह सी लेंगे। इसे डबल सिलाई लगा ली। देखिए, हमने ये एक मैनी यहाँ पर लगा ली है। अब इसी कपड़े को हम इस तरह हटाते हुए यहाँ पर जो कट है उस तरफ एक मैनी लगाएंगे। इस कट पर हम इसे रखते हुए सीधे कपड़े पर उल्टी मैनी इस तरह रखते हुए हम इसे लगाएंगे, जैसा हम पहली मैनी लगाए थे उसी तरह। ये जो मैनी लगाया हुआ हिस्सा है इसे हम इस तरह उल्टे कपड़े पर इसे रख देंगे सीधे कपड़े के ऊपर, यानी सीधे को सीधा चिपकना है। और यहाँ पर हम नेफा बना लेंगे, पहले थोड़ा रफ करके फिर बीच में गैप छोड़ के फिर इस तरह सिलाई लेंगे, बिल्कुल इसी तरह। अब देखिए, यहाँ पर हम जो मैनी लगाई हुई थी इसे हम इस तरह खोली रखकर अब यहाँ तक हमने दोनों कपड़ों को चिपका लिया था। अब हम मैनी के ऊपर इस कपड़े को ले लेंगे। और जहाँ हमारा कट है वहाँ पर रुका दीजिए। अब हम इसे ओपन करते हुए इसे इस तरह खोलते हुए उल्टे कपड़े पर, देखिए इस तरह है, बीच में हमने सिलाई नहीं लिया था इसलिए इस तरह ओपन है। अब हम इधर फोल्ड करके नेफा बना लेंगे। देखिए, तागे नहीं निकलना चाहिए इसलिए हम इसे इस तरह डबल फोल्ड करके खुला रख के सिलाई कर लेंगे। देखिए, इस तरफ की सिलाई हमारी हो चुकी है, इस तरह ओपन आ गया है ये। अब हम इसे इस साइड की सिलाई को
इस साइड की सिलाई हम कर लेंगे। देखिए हम यहाँ दूसरी तरफ की सिलाई में कुछ भी गैप नहीं रखेंगे, पूरा सिलाई हम पूरी कर लेंगे नीचे तक, और डबल सिलाई भी इसके साथ लगा लेंगे। हमारी उस तरफ की सिलाई भी हमने लगा लिया है। अब हम नेफे को ऊपर से इस तरह टू पॉइंट कपड़े को फोल्ड करते हुए यहाँ से 1.5 इंच कपड़े को सिलाई लगा लेंगे इस तरह। इस पर हम किनारे पर सिलाई लेंगे। देखिए हम इस तरह टू पॉइंट कपड़े को अंदर मोड़ते हुए 1.5 इंच कपड़ा हम लेंगे नेफे के लिए, और पूरा राउंड इसी तरह सिलाई लगा कर डबल सिलाई भी इस पर ले लेंगे। देखिए हमने पूरे नेफे को सिलाई लगा ली है राउंड, इस तरह पूरा नेफा हमने सी लिया है। अब हम नीचे की तरफ यानी कि बॉटम के पास से सिलाई लगाएंगे। ये जो बॉटम है इसके साइड से हम 1/2 इंच का माया या फिर 1 इंच का माया रखते हुए हम इससे सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने रुमाली पर भी सिलाई की, थोड़ा सा राउंड कर लिया है सिलाई को। देखिए हमने अंदर डबल सिलाई ले ली है, हमारा प्लाजो रेडी हो चुका है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए।